हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में UKPSA यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित एक ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही कि सचिव लोक सेवा आयोग श्री कर्मेंद्र सिंह को यहां से इनका तबादला कर दिया गया है। श्री गिरधारी सिंह रावत होंगे हमारे UKPSA आयोग के नए सचिव। बीते दिन तबादला सूची सरकार की ओर से जारी की गई थी, इसमें हमारे गिरधारी सिंह रावत हमारे लोक सेवा आयोग के नए सचिव बन गए हैं। साथ ब्रेकिंग अपडेट है कि सख्त नकल विरोधी कानून ला रही है अपने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए प्रदेश सरकार। आपको पता है हमारे उत्तराखंड में भी किस तरह से नकल माफियाओं ने अपना अड्डा बना दिया है। यदि इस तरह का ही चलता रहा तो अपने उत्तराखंड के भविष्य का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है सरकार के सम्मुख। क्योंकि हमारी भर्तियाँ पहले हो रही हैं, फिर होने के बाद वो घोटाले की भेंट चढ़ जा रही है। ये सिलसिला काफ़ी समय से था, यह कानून पहले आ जाना था, बट अब इसकी पैरवी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयना के पूर्व अध्यक्ष जी ने की हुई है, एस राजू जी ने। इस पर सरकार जल्द एक्शन लेने वाली है। नकल विरोधी कानून की उत्तराखंड में सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि जो भी इस उत्तराखंड प्यारे से उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य के साथ खेलना चाहेगा, पेपर लीक कांड को अंजाम देने की सोचेगा, वह पहले सोच लेगा कि उसको 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल का कड़ा कारावास तक हो सकता है। और जो नकल गिरोह से नकल करने वाला अभ्यर्थी संपर्क करेगा उनके खिलाफ भी यहाँ पे कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा जाएगा, 5 साल की सज़ा और कई इसमें जुर्माने भी होंगे, तो इस और उसको परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान करने वाली कानून पर जल्द हमारी सरकार मुहर लगाने वाली है। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार इस पर जल्द एक्शन होने वाला है। साथ ही यह कानून की हमारे उत्तराखंड में सख्त से सख्त जरूरत, ताकि हमारा उत्तराखंड नकल गिरोह वालों से बच पाए। तो साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS मुख्य परीक्षा की संशोधित कट ऑफ जल्द जारी होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देने के विरुद्ध बाहरी राज्य के महिलाओं ने यहां पे हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई थी, तो इसके विरुद्ध हमारे हाईकोर्ट से 30% क्षैतिज आरक्षण की कारण इसको रोक लगा दी थी, और पुनः इसमें अब क्षैतिज आरक्षण ना होने की वजह से एक बार पुनः इसमें मेरिट लिस्ट जारी करने की का यहाँ पे बताया है। हाईकोर्ट की ओर से आदेश गया है लोक सेवा आयोग को, तो पुनः एक बार PCS परीक्षा की कट ऑफ जारी होगी, जिसमें बाहरी राज्य की जो महिलाएं हैं जो न्यूनतम मार्क्स भी नहीं ले पाए थे उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को यहाँ पे 30% आरक्षण दिया जाता है। बाहरी राज्य की महिलाओं ने कहा कि हमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 30% आरक्षण का प्रावधान है, तो इसीलिए वो न्यूनतम कट ऑफ उत्तराखंड की महिलाओं के बराबर लाए, बट वो वहाँ से बाहर हो गए थे, तो इसीलिए। और हमारे प्रदेश सरकार कह रही है हम महिला आरक्षण को बचाने के लिए सरकार या हाईकोर्ट तक भी जाएंगे, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। हमारे विपक्षी पार्टी लगातार मांग रख रही है कि RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी एजेंसी का मालिक जेल में है, तो आयोग के अफसरों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो उत्तराखंड में साथियों भर्ती उस पर माहौल गर्म है, आपको देखा होगा तनातनी हर जगह है। आपको हम अपडेट देते रहेंगे, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू साथियों, आज के अपडेट आपको।